नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 37 साल का रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय जनता पार्टी फिर से रिकॉर्ड बना रही है। जी हां, एक बार फिर से योगी 2.0 शुरू हो गया है और ऐसे में अब पहला विधानसभा बजट सत्र शुरू हुआ। किस तरह का माहौल देखने को मिला, ऐसा ही कुछ माहौल, गहमा गहमी का माहौल उस समय भी देखा गया था जब पहला विधानसभा, जब शपथ ग्रहण करने नए नवेले विधायक पहुंचे थे। लेकिन क्योंकि जो पहला बजट सत्र शुरू हुआ है विधानसभा का, और इस समय पर पक्ष में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो वहीं विपक्ष में समाजवादी पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं अखिलेश यादव, लगातार एक के बाद एक तंज कस रहे हैं। विपक्ष की एक मजबूत भूमिका निभाने के साथ साथ जनता के जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उनको भी विधानसभा में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे वाक्या, कई सारे विवाद हमने विधानसभा में देखे। विवाद कई सारे थे, जहां पर एक ओर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, अपना अभिभाषण दे रही थी, अपनी बात को पूरी कर रही थी, और ये कोई एक दो मिनट का या 5-10 मिनट का समय नहीं था। लंबा अभिभाषण दिया उन्होंने, लंबी तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से वो भाषण देना चाहती थी वैसे नहीं दे पाई। क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि विपक्ष में बैठा समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो लगातार हंगामा कर रहे थे, लगातार विरोध कर रहे थे। और एक खास तरीके से देखने को मिला, जो तस्वीर देखने को मिली वो ये कि अपने हाथ में तख्ती लिए हुए थे, जो कि लाल रंग की तख्ती थी, उसमें बेरोजगारी, महंगाई, बुलडोजर पर जिस तरह से डराने धमकाने का आरोप लगाया। और अब ऐसे में एक खास तस्वीर देखने को मिली, जहाँ एक और एक तरफ पक्ष का यानी कि सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भगवा रंग की टोपी पहनकर विधानसभा में मौजूद रही, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तख्ती लेकर जो स्थिति थी उनके पास, उसमें बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे लिख डाले हैं, यानी कि उन मुद्दों को सामने रखा है विधानसभा में। और एक चीज़ और, हंगामा करते करते जिस वक्त राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था उस वक्त हंगामा तो किया, उसके साथ साथ हंगामा करते करते वेल तक पहुँच गए। वेल क्या होती है हम आपको बता दें कि वेल जब अभिभाषण, जो स्टेज आपने देखा होगा अगर विधानसभा का दृश्य देखा है, उसमें जो स्टेज है उसके बीच का जो एरिया जो खाली पड़ा होता है, और एक तरफ पार्टीशन होता है जहाँ पक्ष और विपक्ष बैठता है, उसके बीच का जो जगह होती है, उस जगह तक चिल्लाते चिल्लाते हंगामा करते करते पहुंच गए थे। और ये सब हंगामा समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के सदस्य कर रहे थे, और उनके अध्यक्ष यानी कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव वहां मौजूद थे, सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे। और ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक विपक्ष जिस प्रदेश में मजबूत नहीं होगा, सवाल पूछने लायक नहीं होगा उस समय, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अभी देखी जा रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, लगातार युवा आपको अनशन करते मिल जाएंगे जगह जगह, असंतुष्टि कहीं ना कहीं आज भी है, उसे लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज विधानसभा में जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसमें आवारा पशुओं का भी मुद्दा जोरों पर था, महिलाओं को लेकर मुद्दा उठाया है, उसके साथ साथ बुलडोजर प्रणाली, जिस तरह से उनको ऐसा लगता है कि गैरकानूनी तरीके से बुलडोजर चलते हैं, और तमाम तरीके के सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन इन सब के बीच एक खास बात और, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम जितने भी विधायक हैं, जितने भी सदस्य हैं, सब एक हैं, लेकिन उनमें जो खटास देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि अखिलेश यादव के जो चाचा शिवपाल यादव लगातार लंबे समय से विवादों में हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, लगातार, क्योंकि इधर से उधर जाने की जो स्थिति बन रही थी, सुर्खियों में थे तमाम लंबे समय से, लेकिन सब पर विराम देते हुए आज सबके साथ मौजूद रहे। लेकिन शिवपाल और जो आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला खां हैं, वो उस पर, उस जगह पर उस तरह से नहीं दिखे जिस तरह से बाकी सारे सदस्य दिखे, यानी कि वो टोपी में नज़र नहीं आए। उसके साथ साथ जो हंगामा चल रहा था, सब एकजुट होकर
सरकार से सवाल कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इस पर आरोप लगा रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। उस वक्त अब्दुल्ला खां शांत बैठे हुए थे, और क्योंकि ये देखा भी गया है और आपने सुना भी कि आज़म खां भी हाल ही में जो है जेल से छूट कर आए हैं, सीतापुर जेल से। और जो तस्वीर हम दो तीन दिन से देख रहे हैं वो यही है कि आज़म खां कहना बहुत कुछ चाहते हैं, दबी आवाज़ में बहुत कुछ मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, भावुक भी हैं। हालांकि उन्होंने अपनी विधायकी की जो शपथ है वो ले ली है सतीश महाना के सामने, लेकिन जो सदस्यता थी, जो आज माहौल देखने को मिला, वो बेहद ज़रूरी था। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी थोड़ी सी मजबूत, भले ही विपक्ष में हो लेकिन मजबूत दिखी है, ऐसे में सदस्यों की मजबूती भी जनता देखना चाहती है कि आखिर सब लोग मिलकर किस तरह का दृश्य दिखाते, किस तरह की तस्वीर दिखाते हैं, वो ज़रूरी थी। और ये खुशफुसाहट शायद पार्टी के अंदर भी देखने को मिल रही है कि जहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे और जनता से जुड़ी हुई सभी छोटे मोटे मुद्दे सामने रख रहे थे, ऐसे में शिवपाल यादव और आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला खां शांत बैठे हुए थे। तो इसमें इसका क्या मतलब समझे, ये तो वक्त बताएगा कि किस तरह से जो है ये सारी तस्वीरें, ये सारी सुर्खियां सामने आएंगी, किस तरह से पूरा विवाद सामने आएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जिस तरह से अखिलेश यादव विधानसभा में अपनी विपक्ष की एक मजबूत भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जब भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ, पूरी सत्ता के साथ, सब कुछ पूरे जोश के साथ, शक्ति के साथ सरकार में वापसी की है उत्तर प्रदेश में, और जो वापसी है वो लगातार लंबे समय से चल भी रही है, लेकिन इससे पहले के कार्यकाल में हमने जो विपक्ष की भूमिका देखी वो इस बार बेहद मजबूती के साथ दिख रही है। क्योंकि 2024 का चुनाव भी सामने हो, और ऐसे में 2024 में किस तरह से प्रदर्शन करना है दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ज़रूरी हो जाता है इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। जी हाँ, 80 सीटें हैं, और 80 सीटों में तमाम बड़े बड़े जो जगह है, बड़ी बड़े शहर, बड़े बड़ी सीटें उत्तर प्रदेश में आ जाती हैं। फिर चाहे वह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र हो, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, या फिर नेता प्रतिपक्ष जो है इस समय अखिलेश यादव का। हालांकि अखिलेश यादव ने विधायकी चुनी है, इसीलिए विधानसभा जो है विधानसभा के मंडप में सामने दिख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की एक भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का आज़मगढ़ में एक लंबा जो है रहा है, लंबी राजनीति की है, एक मजबूत असर देखने को मिला है आज़मगढ़ में, तो ऐसे में ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज़मगढ़ में समाजवादी पार्टी का किस तरह से जो है फिज़ा रहती है, किस तरह से जोश रहता है। क्योंकि ये फिज़ा बरकरार रहनी चाहिए भी, क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूती के साथ सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, अपनी बातों को नहीं रखेगा, जनता की बातों को नहीं रखेगा, तो हो सकता है कि राजनीति में ये ज़रूरी भी है कि एक तरफ से जहां वार होता है तो पलटवार होता है, ये सारी चीज़ें दबाव बना रहना ज़रूरी है। और ये बहुत विधानसभा के सत्र में ये बड़ी सख्ती और मजबूती दिखती है, जहाँ एक तरफ पक्ष अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा से इस सकारात्मक तरीके से सामने रखता है। हालांकि आनंदीबेन पटेल बड़े सकारात्मक तरीके से अपना भाषण पूरा किया है, लेकिन विपक्ष ने भी अपनी जो मौजूदगी है वो कमज़ोर नहीं दिखाई है, बड़ी मजबूती के साथ अपनी मौजूदगी दिखाई है। लेकिन ये सारी मौजूदगी किस लिए है, सिर्फ विधानसभा में यानी कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए विपक्ष ने ऐसा किया है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, ये सब आप जानेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।